देख सकते हैं अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा जो है यहाँ से निकलकर देख सकते हैं ऊपर से आती हुई। मैं आपको एकदम बगल से दिखा रहा हूँ, एकदम बगल से अलकनंदा किस तरह से बहती हुई, कितना फोर्स है। ये इतनी सी दूरी है, मैं बता रहा हूँ इतनी सी दूरी, मगर पार नहीं कर सकते क्योंकि इतना फोर्स है। क्यों? और पानी इतना ठंडा है कि बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा। देख सकते हैं हमारे साथ ब्रह्मचारी जी, वकील साहब, और पहाड़ों की गूंज चारों तरफ, पहाड़ियों का आलम, एक तरफ पहाड़ियों की गूंज और दूसरी तरफ अलकनंदा की धारा की जो आवाज़ साय 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 बहती हुई, ये जो अलकनंदा जो बह के नीचे तक जाएगी। और इसका जो पानी देखिए कितना निर्मल है, और ब्लू कलर का पानी है, निर्मल स्वस्थ। और मैं बता रहा हूँ ये अलकनंदा का पानी का गुण आपको जानकारी रहना चाहिए। ये ऐसा ही नहीं है, अलकनंदा में कई तरह की औषधियाँ, औषधियों का युक्त बहता हुआ जिस तरीके से आता है। और ये जल पीने से कई प्रकार की जो है बीमारियां जो है, जड़ी बूटियों का रस, मैं बता रहा हूँ जड़ी बूटियों का, औषधियों का जो रस है वो इससे मिलता हुआ जाता हुआ नीचे जाता है, और कई तरह की कई प्रकार की जो बीमारियां है अमृत है वो ख़त्म हो जाती है। और ये अमृत समान है, अमृत समान, मैं बता रहा हूँ अमृत समान। देखिए किस तरह से बह रहा है अलकनंदा पहाड़ियों की ऊपर से आते हुए, चारों तरफ जड़ी बूटियाँ, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जल को आप बोतल में रख दो या अपने घर में रख लीजिए, कई सालों तक क्या ज़िंदगी भर ये ख़राब नहीं होंगे, ना इसमें गंध आएंगे, ना कीड़े पड़ेंगे, ना ही इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रकार का गंदगी नहीं आएगी जिसके चलते आपको ऐसा लगे, ऐसा फीलिंग हो कि ये पानी ख़राब हो गया हो। जितना पुराना होगा वो उतना ही वैसा ही बना रहेगा जैसा ताज़ा है। देख सकते हैं किस तरीके से बहती हुई ये धारा अलकनंदा बद्रीनाथ से आती हुई, दिखाता हुआ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल, और पहाड़ियों के चारों तरफ पहाड़ियों के बीच से नारायण के कमंडल, भगवान नारायण के पद को जब बलि के यहाँ भगवान, जब राजा बलि के यहाँ, राजा बलि के यहाँ गए बावन रूप धारण करके भगवान, और उन्होंने तीन पद मांगा, तो एक पद जब पूरा ऊपर उन्होंने किया तो ब्रह्मांड को भी पार करके जब ऊपर चला गया तो वहाँ पर वो जल निकला, जो उसको ब्रह्मा ने कमंडल में डाल दिया, और अपने कमंडल में डाल करके वही जल यहाँ पर पृथ्वी में जब आया तो अलकनंदा नाम की, अलकनंदा, भागीरथी और पाताल गंगा, ये तीन नदियाँ जो हैं वहाँ से उत्सित हुई। अलकनंदा, भागीरथी और पाताल गंगा एक साथ वहाँ से निकली। और बता दें शंकर ने अपने जटा में इनको रख लिया था, समाहित कर लिया था, फिर जो बूंद छोड़ा वो अलकनंदा ये आज नदी है। वाह वाह, जो बूंद निकली वो अलकनंदा निकली, देख सकते हैं उस भागवत में इसका उल्लेख आया हुआ है। इसका उल्लेख है धातु पराक्रम जिता, भगवान के पद को धो करके ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था, वही जो है यह अलकनंदा इत्यादि गंगा इत्यादि नदियां हैं। देख सकते हैं पूरा विवरण देता हुआ मैं हेमंत तोसावर हिमालय की गोद से, आपको हर बार पल 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 की खबर देता हुआ हेमंत तोसावर, और हमारे सामने शर्मा जी जो है वो आपको पूरी जानकारी देते हुए।